नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विकास में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की प्रायोगिक परियोजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को चुना। दिल्ली सरकार ने जेएनयू देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। भुवनेश्वर में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बैंगलोर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पुरुष हॉकी का स्वर्ण जीता और मेलबर्न में आईसीसी 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप ग्रुप ए के लीग मैच में कल भारत का सामना श्रीलंका से। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम की स्थिति बनाने का आरोप लगाया है। आज भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस कानून से किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। मैं आज फिर से यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ, सीएए से इस देश के एक भी मुसलमान का, एक भी माइनॉरिटी का नागरिकता का अधिकार नहीं जाने वाला है, क्योंकि सीएए नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, नागरिकता देने का कानून। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ओडिशा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के 24वें सम्मेलन में आज भुवनेश्वर में राज्यों के प्रमुख मुद्दों और अंतर राज्यीय तथा केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा की गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री और इस परिषद के उपाध्यक्ष नवीन पटनायक ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। सम्मेलन की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की। इस अवसर पर श्री पटनायक ने कहा कि पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय राशि को दोगुना किए जाने की जरूरत है, ताकि वे राष्ट्रीय मानदंड के स्तर तक पहुंच सकें। श्री पटनायक के अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप चंद्र षडंगी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी सम्मेलन में भाग लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विकास में महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ तभी प्रभावशाली होंगे जब वे दूर दराज के संस्थानों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचेंगे। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विकास और कल्याण में योगदान के लिए लोगों को काम करना चाहिए। In order to encourage women to take to higher studies in science, I have substantially enhanced the representation of women in central universities as visitors nominee. This step is taken to create a favorable environment of higher studies and employment in faculty positions for women. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है, ताकि लोगों के जीवन को सुखद और खुशहाल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए बेहतर माहौल बनाने के अनेक प्रयास कर रही है। इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों से विभिन्न क्षेत्रों में उभर रही समस्याओं के समाधान के राष्ट्रीय प्रयास में भागीदारी करने का अनुरोध किया। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय है विज्ञान में महिलाएं। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की प्रायोगिक परियोजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को चुना है। इससे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में योजनाएं लागू करने के अवसर प्राप्त होंगे। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने आज जम्मू में एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश भर में विभिन्न लोक संपर्क कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस योजना के तहत जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे और उन्हें रैंकिंग भी प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव अलका उपाध्याय ने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न कार्यों की आज जम्मू में समीक्षा की। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में उन्हें व्यापक जानकारी दी गई। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना की घोषणा की है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने प्रशासनिक परिषद की बैठक में बिजली उपभोक्ताओं के लिए माफी योजना की स्वीकृति दी, जो 1 मार्च 2020 से लागू होगी। कन्हैया कुमार और दो अन्य के खिलाफ 2016 के देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज इस मामले में दिल्ली पुलिस को जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पिछले वर्ष जनवरी में आरोप पत्र दाखिल किए थे। कन्हैया और अन्य दो पर फरवरी 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शन के दौरान देशद्रोह वाले नारे लगाने का आरोप है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार के गृह विभाग से अनुमति मांगी थी। इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जनता के दबाव के कारण दिल्ली सरकार को इस मामले में अनुमति देनी पड़ी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मामले को 3 साल से टाल रहे थे। पुलवामा आतंकी हमला मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के शकीर बशीर माकरे को गिरफ्तार किया है। ये पुलवामा में हाजीबल का रहने वाला है। समझा जाता है कि इसने आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार को शरण दी थी और उसे विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराई थी। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि पिछले वर्ष पुलवामा हमले के सिलसिले में इस आतंकी ने जैश ए मोहम्मद के अनेक आतंकवादियों को हथियार, बारूद और नकदी उपलब्ध कराए थे। सूत्रों ने बताया है कि माकरे ने ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले की जानकारी आतंकवादियों को दी थी। पिछले वर्ष फरवरी में कश्मीर में पुलवामा में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। एल्गार परिषद माओवादी मामले में 9 गिरफ्तार लोगों को आज मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया गया। केंद्र ने पिछले महीने ये मामला पुणे पुलिस से लेकर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद की रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिससे अगले दिन कोरेगांव भीमा में हिंसा फैली थी। पुणे पुलिस का दावा है कि इसमें माओवादियों का हाथ था। निर्भया मामले के एक दोषी पवन कुमार ने उच्चतम न्यायालय में क्यूरेटिव याचिका दायर कर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की है। उसने इस मामले में निचली अदालत के 3 मार्च को फांसी देने के वारंट पर रोक लगाने की भी मांग की है। निचली अदालत ने पवन कुमार और उसके 3 साथियों के मृत्युदंड के आदेश जारी किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा है और वैश्विक शांति के लिए पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ बड़ी शक्तियां भारत का समर्थन कर रही हैं। आज नई दिल्ली में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान पर सामूहिक राजनयिक का दबाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान को खुले तौर पर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार नहीं बताया जाएगा, वो अपनी दोगली और धोखाधड़ी की नीति जारी रखेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और वैश्विक शांति के लिए पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ हमें दुनिया के बड़े देशों का समर्थन भी हासिल हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं से आगे आकर जनजातियों के समग्र विकास के लिए काम करने की अपील की है। वे आज झारखंड की 2 दिन की यात्रा के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से भारत को 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को कहा। झारखंड की लगभग 26% आबादी जनजाति है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करने की शिक्षा पूरे समाज को आदिवासी समुदाय से प्राप्त हो सकती है। हमारी युवा पीढ़ी को अपने आदिवासी भाई बहनों के समग्र विकास के लिए संवेदनशीलता के साथ
अपना योगदान भी देना है। एजुकेशन का मुख्य ध्येय होना चाहिए हर छात्र को एक अच्छा इंसान बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की चित्रकूट में आधारशिला रखने के कल आयोजित होने वाले समारोह पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि इससे क्षेत्र के युवाओं को विकास का नया आयाम मिलेगा, साथ ही उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे के विकास में भी ये सहायक सिद्ध होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को छोटी अवधि के कर्ज हासिल करने में मदद मिलेगी। सरकार कल चित्रकूट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के एक वर्ष पूरा होने का समारोह भी आयोजित कर रही है, जिसमें प्रधानमंत्री किसानों को सम्मानित करेंगे। इस वर्ष के बजट में घोषित 10,000 किसान उत्पादक कंपनियों यानी FPO की स्थापना का भी प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ऐसे हर FPO को 15 लाख रुपए की मदद देगी। ये FPO छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों को तकनीकी मदद, अच्छी गुणवत्ता के बीज, उर्वरक और कीटनाशक मुहैया कराने के साथ ही उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों से छोटे किसानों तक पहुंच बनाने की अपील की है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कृषि केंद्रों को न केवल समृद्ध, संपन्न और प्रगतिशील किसानों बल्कि वंचित और छोटे किसानों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा प्रभावित इलाकों का आज दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। श्री बैजल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उनसे शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति की कल समीक्षा की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। गृह मंत्रालय ने एक परामर्श में भीड़ की हिंसा को जघन्य और गंभीर अपराध बताया है। इस तरह के अपराधों के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं और कानून के तहत इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। और अब प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला की एक और कड़ी। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों को एक दूसरे की संस्कृति, साहित्य, कला, नृत्य, संगीत जानने का अवसर मिल रहा है। एक रिपोर्ट। इस सप्ताह क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की ओर से आगरा के अचनेरा विकास खंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, पहनावा और रहन सहन के तरीकों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने इन दोनों राज्यों के लोकगीतों पर वहीं के परिधान पहनकर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। बच्चों ने राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए गीत और नाटक भी प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अचनेरा नगर पालिका के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने कहा, जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसके द्वारा पूरे देश में जो हमारे राज्य हैं वो दूसरे राज्यों से एक दूसरे की संस्कृति को पहचानेंगे और जिससे आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही अनुकरणीय है। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें लोगों को मेघालय और अरुणाचल के त्योहारों और वहां के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी गई। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। ओडिशा में खेले जा रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में पुरुष हॉकी में बैंगलोर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने बैंगलोर विश्वविद्यालय को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। आईसीसी 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मैच में कल मेलबर्न में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के विकास में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की प्रायोगिक परियोजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को चुना। दिल्ली सरकार ने जेएनयू देशद्रोह मामले में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। पुलवामा आतंकी हमला मामले में एनआईए ने जैश ए मोहम्मद के शकीर बशीर मागरे को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।